नमस्कार दोस्तों, रोशन मार्ग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कहा जाता है बच्चे भगवान का रूप होते हैं, पर ऐसा क्यों कहा जाता है? क्या आपने कभी इस पर विचार किया? दरअसल गरुण पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद जिस आत्मा या जीव को फिर से धरती पर जन्म लेना पड़ता है, वो आत्मा माँ के पेट में कैसे प्रवेश करती है और फिर 9 महीने तक उस आत्मा के साथ गर्भ में क्या क्या होता है। माँ के गर्भ में जीवात्मा का भगवान से साक्षात्कार होता है। गर्भावस्था के दौरान भगवान जीव को उसके पूर्व जन्मों की समस्त बातें स्मरण कराते हैं। गरुड़ पुराण में शिशु के माता के गर्भ में आने से लेकर जन्म लेने तक का स्पष्ट विवरण दिया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि शिशु को माता के गर्भ में क्या क्या विचार आते हैं। आज हम गरुड़ पुराण में लिखी यही बातें इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए अविलंब वीडियो को प्रारंभ करते हैं और जानते हैं कि गर्भ में पल रहे बच्चे की पहले माह से लेकर 9वें माह तक की यात्रा कैसी होती है। अपने कर्मों के अनुसार मनुष्य परलोक जाता है। अगर उसके कर्म अच्छे हुए तो वह यमलोक जाने से बच जाता है, और अगर उसके कर्म अच्छे नहीं हुए तो उसे यमलोक जाना ही पड़ता है। यमलोक में जीवात्मा को यमराज द्वारा दिए गए कठोर दंड को भोगना पड़ता है। यमराज से सजा पाने के बाद जीवात्मा को फिर से नया शरीर मिलता है और उसके बाद माता के गर्भ में आकर फिर कष्ट भोगना पड़ता है। गरुण पुराण के अलावा और भी कई ग्रंथों में माता के गर्भ में जीवात्मा को होने वाले कष्टों के बारे में जिक्र किया गया है। मृत्यु लोक में आने के बाद जीव माता के गर्भ में और यमलोक में उसके साथ जो भी हुआ है सभी को भूलकर वह माता और परिवार के बंधन में बंध जाता है। जब बच्चा माता के गर्भ में रहता है तब वह ब्रह्मलीन अवस्था में रहता है और निरंतर ध्यान करता रहता है। माता के गर्भ में 9 महीने रहने के दौरान बच्चे की आत्मा परमपिता की ज्योति का ध्यान करती रहती है और वह परमानंद की स्थिति में रहता है। इसीलिए जन्म के तुरंत बाद बच्चे को जोर से चांटा मारा जाता है ताकि उसे इस ध्यान की नींद से उठाया जा सके, जिससे बच्चे के शरीर की आत्मा का ध्यान टूट जाता है और बच्चा जैसे ही आंखें खोलता है तो उस बच्चे की आत्मा इस संसार को देखती है और इसी के साथ वह बच्चा फिर से अच्छे और बुरे कर्म करने लग जाता है। लेकिन जन्म के तुरंत बाद बच्चा रोता जरूर है। आइए जानते हैं बच्चे का पहले माह से 6वें माह तक का सफर कैसा होता है। दोस्तों, ईश्वर से प्रेरित हुए कर्मों से जीव जब माँ के गर्भ में प्रवेश करता है तब वह सूक्ष्म रूप में होता है। फिर 10 दिन के बाद वह बद्री फल यानी कि बेर के समान कठोर हो जाता है और उसके बाद अंडे का आकार लेता है। फिर सबसे पहले भ्रूण का मस्तिष्क बनना शुरू होता है। 1 महीने में जीव का मस्तिष्क बनता है और 2 महीने में जीव की भुजा आदि अंगों की रचना होती है। 3 महीने में हड्डी, नाखून, चर्म, रोम, लिंग और 10 द्वार के छिद्र निर्मित होते हैं। 4 महीने में त्वचा, मांस, रुधिर, मेद, मज्जा और अस्थि की उत्पत्ति होती है। और इसके बाद 5वें महीने में बच्चे को भूख और प्यास आदि लगने लगती है। 6ठे महीने में गर्भ की झिल्ली से ढका रहकर भ्रूण मां की दाहिनी आंत में भ्रमण करने लगता है। इस दौरान बच्चे की माता जो भी खाद्य पदार्थ खाती है उसी से जीव गर्भ में वृद्धि करता है। इस समय जीव माता के गर्भ में मलमूत्र के साथ जहां कृमि और अन्य सूक्ष्म जीव भी पल रहे होते हैं उन्हीं के साथ शयन करता है। और फिर अगले 3 महीने में अन्य कई प्रकार के कष्टों का सामना करता है। माता के पेट में जीवात्मा का यह सफर बड़ा ही कष्टदायक होता है। कई पदार्थों और कृमियों से पूर्ण उदर में उन कीटों के काटने से कष्टों को सहन करता है और कई बार तो बेहोश भी हो जाता है।
माता जो भी कड़वा कसैला तीखा या नमक युक्त भोजन करती है उसके स्पर्श से जीव के अंगों को कष्ट होता है। इस दौरान उस जीव की अवस्था पिंजरे में बंद पक्षी जैसी होती है। इस दौरान उस जीव के पैर ऊपर और सिर नीचे की ओर रहता है तथा पीठ और ग्रीवा कुंडली के आकार में रहती है। इस समय वह हिलडुल भी नहीं पाता है। जैसे पिंजरे में बंद पक्षी पीड़ा पाता है ठीक वैसे ही जीव मां के गर्भ में पीड़ा पाता है। अब आइए जानते हैं बच्चा भगवान से क्या बातें करता है। इसी दौरान वह जीव भगवान का नाम जपता है और अपने पूर्व जन्म के पापों को याद करता हुआ भगवान से क्षमा याचना करता है। इसके बाद सातवें महीने में जीव को ज्ञान की प्राप्ति होने लगती है और उसके अंदर भय पनपने लगता है। जीव को सबसे ज्यादा इस बात का भी भय रहता है कि गर्भ से बाहर आते ही वह भगवान को भूल जाएगा। ऐसा सोचकर वह बहुत दुखी होता है और इधर उधर घूमने लगता है। वह अत्यंत दुख से वैराग्य युक्त होकर ईश्वर की स्तुति करता हुआ कहता है, हे लक्ष्मीपति, जगत के आधार संसार को पालने वाले भगवान विष्णु, मैं आपका शरणागत हूँ। वह बच्चा कहता है, हे भगवान, अब इस योनि से अलग होकर तुम्हारे चरणों का स्मरण कर मैं ऐसे उपाय करूँगा जिससे मैं मुक्ति को प्राप्त कर सकूँ। फिर गर्भस्थ शिशु सोचता है कि मैं दुखी और विष्ठा व मल मूत्र के कुएं में हूँ और भूख से व्याकुल इस गर्भ से अलग होने की इच्छा करता हूँ। हे भगवान, मुझे कब बाहर निकालोगे? सभी पर दया करने वाले ईश्वर ने मुझे ये ज्ञान दिया है, उस ईश्वर की मैं शरण में जाता हूँ, इसलिए मेरा पुनः जन्म मरण होना उचित नहीं है। वह जीव गर्भ में ही अपनी 7 माह की अवधि में ज्ञान पाकर वैराग्य से परिपूर्ण होकर भगवान की प्रार्थना करने लग जाता है। भगवान से उनके चरणों में शरण पाने की विनती करता है। लेकिन जैसे ही जीव को धरती की वायु छूती है वह फिर से माया के मोह में उलझ जाता है। आज की प्रस्तुति को यहीं विराम देते हैं। हमारी अगली मुलाकात किसी अन्य ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ फिर से अगले वीडियो में होगी। ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए रोशन मार्ग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय श्री कृष्णा।